गुना खेल महोत्सव के अंतर्गत प्रतियोगिताएं की जा रही है, जिसमें रिपल्स ऑफ होप ग्रुप शिवपुरी वेस्ट टीके टीडी क्लब गुना के मध्य खेल महोत्सव के अंतर्गत मैच खेला गया। मैच के मुख्य अतिथि मुस्तफा जमान ने दोनों टीम से परिचय प्राप्त कर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। गुना ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। शिवपुरी ने बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 95 रन 9 विकेट खोकर बनाए, जबकि इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुना महिला टीम ने मात्र 85 रन पर आउट हो गई। शिवपुरी ने 14 रनों से इस मैच में जीत दर्ज की। दोनों टीम को हमारी टीकेटी गुना क्रिकेट एकेडमी और रिपल्स ऑफ होप शिवपुरी से जो हमारी क्रिकेट टीम आई है, और इनका तहे दिल से आमंत्रण करना चाहूंगा गुना में। और दूसरी चीज ये है कि किट्टू भैया ने इतनी बातें करी, वो उनका बड़प्पन है मेरे लिए, लेकिन मेरा हमेशा से यही वो रहा है कि मैं क्रिकेट को प्रमोट करूं, और खासकर वुमेन्स क्रिकेट को उठाने में हम लोगों का जो मुहिम है, हम चाहते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट टीम एक अच्छा गुना और शिवपुरी से जो हम लोगों का वो है, हम जितना सहयोग कर सकें करें, और आप लोग मेहनत करके इस पे आगे बढ़ें, वही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत रहेगी। और आप लोगों का हम आप लोगों के आभारी हैं कि आप लोग यहाँ खेल के हम लोगों का जो वो है हमें मोटिवेट कर रहे हैं और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं दोनों टीमों को, गुना और शिवपुरी को, इसके इस चीज के लिए तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और बस मेरा यही है मेरी तरफ से कि आप लोग अच्छे से खेलो, मेहनत करो और हम लोगों का नाम रोशन करो। शुक्रिया। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।